प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना के माध्यम से जो यूपीए की सरकार, राज्य के हेमंत सोरेन जी की सरकार लगातार किसान विरोधी कृत्य कर रही है, किसानों के लिए पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रत्येक किसान के खाते में 5,000 रुपया से लेकर के 25,000 रुपया कृषि आशीर्वाद योजना से देने का काम किया था, आज उस योजना को बंद कर दिया गया है। आज प्रदेश के अंदर आप झूठे वादे करके आए थे कि किसानों का ऋण माफ करेंगे 2 लाख रुपया तक, आज तक एक साल बीत गया, किसानों को आपने बिल देने का, ऋण माफी का एक किसान का भी आपने खाते का पैसा माफ नहीं किया। उसी प्रकार से लगातार प्रदेश के लोगों के साथ आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। प्रदेश के मंत्री किसानों का धान क्रय खरीदने पर कहते हैं कि किस खजाने का कम हमारा खाली होगा, और आज भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन करने के परिणाम स्वरूप आपने धान क्रय केंद्र तो चालू किया, लेकिन ऐसे ऐसे कम केंद्रों में चालू किया कि औने पौने दाम पर किसान धान बेचने को मजबूर पड़े हुए हैं। आज लगातार पंचायत चुनाव, जो गांव की सरकार का शासन बनना चाहिए था, गांव की सरकार का शासन चुनने में आप लगातार उसमें अनर्गल बयान दे रहे हैं। आज इस धरना के माध्यम से पंचायत का चुनाव कराने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर विधि व्यवस्था के हालात क्या है, ऐसे सारे विषयों को लेकर के, विकास काम ठप पड़े हुए हैं, ऐसे सारे विषयों को लेकर के आज इस धरना के माध्यम से सभी प्रखंडों में, पूरे राज्य के सभी प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी सरकार को खटखटाने का काम कर रही है, और यह आंदोलन तब तक हमारा चलेगा जब तक कि सरकार नींद से नहीं जागती है, जब तक सरकार इस काम को, चाहे वो पंचायत चुनाव कराने का हो, किसानों के बात करने का हो, बेरोजगारों को 5,000 रुपया और 7,000 रुपया देने का आपने वादा किया था, उन बेरोजगारों को 5,000 और 7,000 देने का काम करना होगा आपको। सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार को मजबूर करेगी कि जो झूठे वादे और नारे देकर के आप सत्ता में आए थे, उन नारों और वादों को आप पूरा करिए।